गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति ताम्रकार एंड टुडे अगेन वी आर गोइंग टू रीड ग्रामर। सो आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ चैप्टर 21, जहाँ पर हम रीड करेंगे होमोनिम्स। ओके, होमोनिम्स के टू कैटेगरीज होते हैं, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। ओके, होमोग्राफ्स आर द काइंड ऑफ वर्ड जिनका स्पेलिंग सिमिलर होता है बट मीनिंग is different, such as bear and bear. One bear means सहन करना and the other bear is an animal. Okay, homophones are the words those sound similar. Okay, pronunciation उनका similar होता है but meaning difference होता है और उनका spelling भी different होता है. Such is allowed and allowed. So one of them is allowed. Allowed, that means allow करना, ठीक है। Next is allowed, 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 it means जोर से। ओके, ऐसे ही बी, तो बी डबल ई बी रेफर्स टू एन इंसेक्ट एंड बी ई बी रेफर्स टू सम एक्शन बींग। ओके, सो दीज आर द होमोफोन्स एंड होमोनिम्स भी आप जानते हैं जिनका, सॉरी होमोग्राफ्स भी आप जानते हैं जिनका मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग भी एटलीस्ट सिमिलर है। नाउ सी द एग्जांपल। सो द हेल्दीएस्ट ड्रिंक इज ब्लैंक वाटर, प्लेन वाटर, प्लेन वाटर। तो ऑब्वियसली पी एल ए आई एन इज द करेक्ट वन। ओके, सो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस आर डन हियर। इफ एनी कंफ्यूजन यू गेट, सो यू कैन सर्च द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। ओके, then you will get the correct answer. Next is chapter 22, that is idioms. So idioms jo hote hain, idiom is an expression whose meaning is different from the words those are the constituent of the group. Wo group of words jinka dikhne mein meaning dusra hota hai but actual meaning unka dusra hota hai. Hindi mein hum unhe kahavate muhavron ke roop mein jante hain, right? So, see some idioms here. To turn over a new leaf means changing your batter for the batter, right? Means, ज़्यादा अच्छा कुछ करना. Pull up one sock means to make an effort to improve. तो आगे बढ़ने के लिए, improve करने को हम कहते हैं pull up one sock. Hit below the belt means to act in an unfair matter. Means, जो थिंग अनफेयर है वो करना। सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, जैसे टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी नए पत्ते को पलटना, बट इट डजंट गिव द सिमिलर मीनिंग, इट गिव्स द अदर मीनिंग, राइट? सो दिस विल कॉल द इडियम्स। एंड नाउ सी द एग्जांपल्स एंड द एक्सरसाइजेस हियर। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टू एंड इन स्मोक। अगर हम वर्ड मीनिंग देखें तो धुएं में ख़त्म करना निकल रहा है, बट एक्चुअली इट मीन्स फेस फेलियर, राइट? नेक्स्ट इज टू गेट इनटू हॉट वाटर। तो वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग गर्म पानी में जाना, बट एक्चुअली इट मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल। एंड सिमिलरली आपको सारे के सारे जो है एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस स्टडी करने हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट चैप्टर, that is 23rd, one word for a group of words. So one word substitution यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर एक पूरा group of word रहेगा जिसके लिए आप substitute करोगे with a single word. One who is good at running is called athlete. Running, jumping, swimming सब में है तो उसे हम कहेंगे athlete. A person sent from one country to another either as a permanent representative or on a special mission is called ambassador. One who writes books or stories, उसे हम कहते हैं author. One person who makes bread, biscuits and cakes to sell, that is called baker. And similarly, कई सारे words आपको दिए हुए हैं जिन्हें आपको study करना है. Okay, again यहाँ पर भी आपको exercises मिलेंगे. So you have to find the most appropriate word here. So extreme old age when a man behaves like a fool is imbecility. Okay,
एंड नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकॉरिजिबल. द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी इज आर्कियोलॉजी. अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर इज इंटेलेक्चुअल एंड सो ऑन. सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको किए गए हैं. रीड देम केयरफुली, स्टडी देम केयरफुली एंड लर्न देम. ओके, अगर कोई मिस्टेक है तो सॉरी, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू फाइंड इन द डिक्शनरी. देन ऑल्सो अगर आपको नहीं मिलता है, आपको तब भी डाउट है, देन यू कैन कॉल मी. राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.